हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप बहुत खुश होंगे अपनी जिंदगी में, या फिर खुश रहने की कोशिश जरूर करते होंगे। आज इस टैरो कार्ड में हम चेकआउट करेंगे कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट 3 डेज यानी कि अगले 3 दिनों में क्या बदलाव आ सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगा, आप क्या सोचने वाले हैं, दोनों की एनर्जीज चेकआउट करेंगे। तो प्लीज पॉजिटिव रहकर उस व्यक्ति को जरूर याद कीजिए जिसके साथ आपका रिश्ता है या जिनके साथ आप रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। फिर से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, या हस्बैंड वाइफ है और झगड़े हो रहे हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। अगर वो व्यक्ति आपसे दूर गए हैं तो अगले 3 दिन में क्या एक्शन उनकी तरफ से हो सकता है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स यानी कि 3 दिन ही होते हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा और कार्ड्स शफल करते वक्त अपने पार्टनर की जैसे कि उनका चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ बिताए हुए पल याद करने की कोशिश कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। और ये जनरल रीडिंग है तो बकवास कमेंट्स मत कीजिए कि ये मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है, झूठ है। मैं टैरो कार्ड रीडर हूं तो मुझे पता है। तो चलिए जल्दी से इस रीडिंग को शुरू करते हैं। जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए और बाकी का छोड़ दीजिए। यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है। ये नेक्स्ट 3 डेज की एनर्जी है। ये ध्यान रखिए कि अगली 72 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में। हो सकता है कि होगा, नहीं होगा, आपकी एनर्जी जितनी कनेक्ट होगी या जिस दिन इस वीडियो को देखेंगे उससे अगले 3 दिन की एनर्जी यहाँ पर होगी। डेविल का कार्ड सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेगेटिव कार्ड्स आ रहे। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि पर्सन आपको छोड़कर अगर गए हैं आपको छोड़कर, और वो छोड़कर किसी और की तरफ गए, किसी और व्यक्ति के पास गए, किसी और के साथ उन्होंने अगर रिश्ता रखा है, चाहे वो रिश्ता अपनी मर्जी से रखा है, चाहे उनको किसी ने अपना बनाने की कोशिश की है, या आप दोनों का रिश्ता मतलब आप दोनों को अलग करके अपना बनाने की कोशिश की है आपके पार्टनर को यहाँ पर, तो मुझे लगता है ना उनको घुटन सी हो रही है। तो अगले 3 दिन में वो कहीं ना कहीं उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे। अभी डायरेक्ट निकलकर आपकी तरफ आने के चांसेस कम है। यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन सोच विचार कर रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूं, या सोच सकते हैं अगले 3 दिन के अंदर कि इनका मतलब कहाँ पर वो पर्सन है, कहाँ पर अटके हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी तक ये पर्सन फंसे हुए थे, ऐसे रिश्ते में फंसे हुए थे जहां पर वो नहीं रहना चाहते, क्योंकि जहां पर आप कंफर्टेबल नहीं हो। एक आप बात करेंगे जॉब की भी कि जहां पर आपको खुशी नहीं मिलती वो जॉब आप छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आपको तकलीफ होती है, आपको मेंटल पीस नहीं मिलता है, मतलब सुख शांति नहीं है वहां पर, उस जगह को हम छोड़ देते हैं। या ऐसे लोगों के साथ हम जाना पसंद नहीं करते जहां पर आपको इज्जत नहीं मिलती या जहां पर आपको पॉजिटिव फील नहीं होता। तो यही हो रहा है, पर्सन जहां पर भी है वहां पर उनको खुशी नहीं मिल रही है, पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, तो वो अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे। किंग ऑफ कप्स ये है ना कि ये चाहे तो कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, सिर्फ इनका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो ये राजा है, यानी कि ये पर्सन जो है ना ये मैनिपुलेटिव नेचर के भी हो सकते हैं, यानी कि अपने तरीके से सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं और अपने से दूर भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बातों से, इमोशन से, फीलिंग से। तो हो सकता है कि ये पर्सन के बातों में कभी कभार आप आ जाते हो, फंस जाते हो। कभी कभार ये पर्सन आपके ऊपर गुस्सा करते हैं और फिर आपको मनाने की भी उनको टेक्निक मालूम है कि आपके वीकनेस क्या है, आपको कैसे अपना बनाया जा सकता है, कैसे खुश किया जा सकता है। अगर आप नाराज हैं या किसी चीज को लेकर आप परेशान हैं, उनकी वजह से उनको आपको टेंशन हुआ, तो आपके पार्टनर को पता होता है कि इनको कैसे टैकल करना है। तो ये मुझे यहाँ पर उनकी क्वालिटी नजर आते हैं जहां पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, और मुझे ये भी लगता है आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बैलेंस आ रहा है। मतलब इमोशंस को ये पर्सन ऐसा लगता है ना कि जितना कंफर्टेबल वो फील करते हैं आपके साथ, वो हैप्पीनेस, वो खुशी उनको अभी नहीं मिल रही है। और इंसान खुशी ढूंढता रहता है हमेशा, रोज। आज अगर आप सुबह हो जाती है तो आप यही सोचेंगे ना कि मुझे आज कैसे खुश रहना। तो ये होता है, ये रीडिंग जो होता है ना जनरल रीडिंग होता है, आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आपका रीडिंग मैंने कब कहा कि ये आपका रीडिंग है, ये तो जनरल रीडिंग है। तो सबकी एनर्जी रेजोनेट होती है। बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता ही हूँ, भले मैं उसमें रिप्लाई करूँ ना करूँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता ही हूँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में जरूर। ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं ना जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग भी हो सकती है, या ऐसी कुछ चीजें आपके सामने आने वाली है नेक्स्ट 3 डेज में जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ है आपके पार्टनर के साथ, ऐसा कुछ हुआ है आपके रिश्ते में, ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ बातें, कुछ हिडन सीक्रेट्स कह सकते हैं आप, या ऐसी कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी जो कि आपके लिए आपके होश उड़ा देंगे, आपको धक्का लगेगा सुनकर। ऐसी चीजें आने वाली है और होता ही है, क्योंकि सरप्राइजेस हमारे जिंदगी में आते हैं और रैंडमली कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं। जैसे कि भूकंप आता है तो हमको नहीं पता होता ना कि आज 6 बजे भूकंप आएगा, अचानक हो जाता है, या बारिश आएगी, वो तो टाइम नहीं पता होता ना कि इतने बजे बारिश आएगी, अचानक आ जाती है। तो वैसा अचानक कुछ चीजें आपकी जिंदगी में जरूर आपके सामने आने वाली है, या फिर आप फील करेंगे, आप देखेंगे, आप सुनेंगे, आपके पार्टनर की तरफ से हो या किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपके पार्टनर के बारे में कुछ चीजें आपके सामने आ सकती हैं, या पार्टनर खुद रिवील करना चाहते हैं कुछ चीजें जो उनको लगा कि सही वक्त आने पर उनको कहना चाहिए, ये वक्त सही नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो ये भले ये पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है ना कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि आपने छुपा कर रखी हैं, आपके पार्टनर ने छुपा कर रखी हैं, और ये चीजें छुपाने की वजह ये भी हो सकता है कि ये रिश्ता ना टूटे। पार्टनर को लगा कि अगर वो बताएंगे कुछ ऐसी चीजें जिससे आप नाराज होंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, या आपको लगा कि मेरी ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि पार्टनर को नहीं बताना है क्योंकि वो उसका मतलब कुछ और निकालेंगे। ऐसी कुछ चीजें आप दोनों के सामने आने वाली है। हम आखिर में यानी कि सभी कार्ड्स लेने के बाद फिर से हम एक बार चेकआउट करेंगे कि रिलेट क्या कर रहे हैं कार्ड्स एक दूसरे से। तो कार्ड्स शफल करते वक्त प्लीज अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा, चाहे आप सिंगल है, मैरिड है, सबके लिए रीडिंग है, चाहे आपके बॉयफ्रेंड है वो, गर्लफ्रेंड है वो, या फिर आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या और किसी टाइप का रिश्ता है, कोई भी हो, सबके लिए रेजोनेट करेगा। यहाँ पर झगड़े होते हुए नजर आते हैं, तो मुझे यहाँ पर यही लगता है कि थर्ड पार्टी की तरफ अगर पर्सन गए हैं तो ये आने वाले कुछ दिनों में उनके साथ झगड़ा करके, लड़ाई करके, कुछ ना कुछ उनके सामने सच्चाई आने के बाद, यहाँ पर ये जो कार्ड मैंने कहा ना कि आपके सामने सच्चाई आएगी या पार्टनर के सामने, तो थर्ड पार्टी की सच्चाई आ सकती है उनके सामने और फिर लड़ाई हो सकती है आने वाले 3 दिनों में, या जब ये वीडियो देखेंगे उससे अगले 3 दिनों में। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की सच्चाई उनके सामने आएगी और असली रूप, अगर असली चेहरा उनके सामने आएगा, तभी तो पर्सन समझ जाएंगे ना कि मैं कहाँ पर हूँ या व्हाट इज माई मिस्टेक, उनकी क्या गलती है, ये समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये अपना डिसीजन कंफर्म करेंगे, आपके बारे में सोच विचार करेंगे। अगर ये अभी सीरियसली नहीं ले रहे थे आपको, या फिर आपको जैसे कि इग्नोर ही किया था, तो मुझे लगता है कि एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो भी बुरा उनकी जिंदगी में है, जो भी बुरा उनकी जिंदगी में है, जो भी नेगेटिविटी, जैसे कि दिवाली के दिन हम रावण को जलाते हैं ना ताकि बुराई खत्म हो जाए, तो वैसा ही कुछ होने वाला है आपकी जिंदगी में, जहां पर पार्टनर जो भी बुराई आपके रिश्ते में है उसे खत्म कर कर एक नई शुरुआत करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये कार्ड मुझे ये भी कहता है अभी पर्सन को आपको खोना नहीं है, उनको आपको हासिल करना है, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहते हैं, इस पर्सन की बर्थ डेट मुझे ऐसा लगता है कि 9 हो सकती है या फिर 18 हो सकती है। इनकी बर्थ डेट मुझे ऐसा भी लगता है कि 26 हो सकती है या 27 हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि पर्सन आपको हासिल करना चाहते हैं किसी भी हाल में। लवर्स का कार्ड है तो प्यार जाग जाएगा, पर्सन का आपके लिए प्यार जाग जाएगा। अभी तक अगर ये शांत है, क्योंकि यहाँ पर भी यही लगता है कि प्यार को समझेंगे, आपके प्यार का एहसास होने लगेगा आपके पार्टनर को, आपके प्यार की वजह से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं, या आपने क्या खुशी दी है इस पर्सन को, या आपके आने के बाद पर्सन की जिंदगी किस तरीके से बदल गई, या आपके साथ उन्होंने क्या प्रॉमिसेस की है, वो कहीं ना कहीं उस पर्सन को परेशान कर सकते हैं कि मैंने ऐसे वादा किया है वो झूठा नहीं हो सकता, वो मुझे सच करना है, ऐसा वो कह सकते हैं। ये 6 नंबर का है कार्ड और लव का कार्ड है, ये प्यार को दर्शाता है। मुझे यहाँ पर यह भी लगता है कि आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव बहुत है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है कि अचानक पर्सन आपको इग्नोर करने लगते हैं, फिर इनको मर्जी से वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स यानी कि ना अपने दिल के राजा, लेकिन अपनी तरीके से उनको हैंडल करना है रिश्ते को, आपको नहीं। अगर आप बोलेंगे ना कि आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, आ जाओ मिलने, तो वो नहीं आएंगे। उनको याद आएगी आपके ना, तो वो आएंगे। इस टाइप का स्वभाव हो सकता है आपके पार्टनर का। तो लवर्स का कार्ड मुझे लगता है कि अगर प्यार खत्म हुआ था, बिल्कुल आपको लग रहा था कि पार्टनर की तरफ से तो प्यार खत्म हो गया, अभी तो वो मुझे पूछते ही नहीं, या फिर जब मेरे साथ रहते थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे या करती थी, लेकिन अभी जब से दूर गए हैं तो मतलब बिल्कुल मेरे से पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, मेरे बारे में पूछताछ भी नहीं की कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ या मर गया हूँ। तो ऐसे कुछ अगर आपकी सोच है तो वो आपको सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यह लवर्स का कार्ड यानी कि उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ फिर से बढ़ेगा। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट के बारे में सोच सकते हैं, ये पर्सन आपकी खूबसूरती के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा हैंडसम हैं या फिर आपका ऑरा जो है पॉजिटिव ऑरा, इस पर्सन को फिर से आपके बारे में कि हाँ मैंने उसके साथ जो वक्त स्पेंड किया था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, ऐसा वो सोच सकते हैं। और आपके बारे में फिर से रोमांटिक होते हुए नजर आते हैं, आने वाले दिनों में रोमांटिक जरूर होंगे। आपके साथ बिताया हुआ वो टाइम पास नहीं था, ये भी मुझे यहाँ पर लगता है कि वो टाइम पास नहीं था। भले आप दोनों के बीच बुरी नजर है, ब्लैक मैजिक है, गलत सलत कुछ हुआ है, पर्सन ने आपको नहीं समझा है, किसी और की वजह से आपको तकलीफ दी है, ये सब चीजों के ऊपर विचार करके पर्सन कुछ कंफर्म डिसीजन ले सकते हैं, ये तो मुझे यहाँ पर फील होता है। और इनका प्यार खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है। ये पर्सन को जरूर किसी ने अटका कर रखा था, जहां पर ये पर्सन के आप देख सकते हैं ये पर्सन इतने स्टक सिचुएशन में थे, जहां पर आंखों के ऊपर पट्टी है, इनके हाथ बंधे हुए हैं। आप सोचिए कि जिस इंसान के आंखों के ऊपर पट्टी है और दोनों हाथ बंधे हुए हैं तो उसको सामने का तो कुछ भी दिखेगा नहीं, वो चाह कर भी नहीं देख सकता, क्योंकि अगर हाथ छूट जाएंगे तभी तो वो पट्टी निकालेगा। तो इस टाइप का सिचुएशन आप सोच कर देखिए, ये सिचुएशन आपके पार्टनर की है। मतलब इनको इतना मैनिपुलेट किया है किसी ने, इतना अपने अंदर कैद करके रखा है इस पर्सन को कि वो देख भी नहीं सकते, आपके बारे में सोच भी नहीं सकते, इनको जैसे कि कैद करके रखा है। ये खुद छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद ही फंस गए हैं। आप ये सोचे कि पार्टनर आपके फंस चुके हैं, इनको सहारे की जरूरत है, इनको लगता है कि आकर मेरे को इसमें से कोई आजाद करे, मेरे को आकर इस सिचुएशन में निकाले। अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनर घमंडी है, धोखा दिया है, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है कि पार्टनर बुरी तरीके से कहीं पर फंसे हैं और अभी उनको मेरी जरूरत है, मुझे वहां जाना होगा और मेरे को पार्टनर के बारे में देखना होगा कि क्या सिचुएशन है, क्या वो सच्चाई है जो मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं, या सच्चाई कुछ और है, ये आपके सामने आने वाली है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं ना, कि पर्सन को आपकी जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अभी अगर इस पर्सन को आप इसमें से सिचुएशन से निकालेंगे तो मुझे लगता है कि रिश्ता ठीक हो सकता है, ये भी मुझे लगता है। तो एक नेगेटिव कार्ड है, आज नेगेटिव कार्ड्स भी आए हैं बहुत ज्यादा। फुल की एनर्जी और 10 ऑफ सोर्स की आप बात है, यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्स के बाद 10 ऑफ सोर्स और फुल की एनर्जी भी है। तो मुझे लगता है कि पर्सन फंस गए, किसी रिश्ते में फंस गए, किसी इंसान में फंस गए, आपका साथ छोड़ा। उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया कि आगे क्या लिखा है, आगे वक्त कैसा रहेगा, उनका लगा कि हाँ मजे हैं, चलो मजे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं अगर वो गलत रास्ते पर चल पड़े थे और फंस गए तो ये उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे, थर्ड पार्टी को खत्म कर सकते। ज्यादा करके पता नहीं आज स्टार्टिंग से ही थर्ड पार्टी की एनर्जी आ चुकी है, तो अगर थर्ड पार्टी ने अलग किया है आप दोनों को, तो मुझे लगता है नेक्स्ट 3 डेज में पर्सन वो जो बुरी चीजें हुई है, हो सकता है कि बहुत 3 महीने पहले से हुआ है, या 3 हफ्ते पहले से हुआ है, या 10 हफ्ते पहले से हुआ है, 10 दिन पहले हुआ है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा बेचैन भी है, बहुत ज्यादा एंग्शियस भी है, और इनको ऐसा लगता है ना कि मैं जो कर रहा हूं या मैं जो कर रही हूं वो गलत है, मुझे यही पर एंड करना होगा और जैसा रिश्ता आपके साथ था वैसे उनको आगे लेकर जाना होगा। ये उनकी फीलिंग है कि कुछ भी करके एंड करना है और आपके साथ उनको पैचअप करना है। तो ये बहुत ही अगर देखा जाए तो नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन ये मुझे ये कहता है ना जैसे कि वो खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म, एक बुरा चैप्टर जो है ना वो खत्म होने वाला है, या बुरा वक्त आपके जिंदगी में जो बुरी नजर थी वो खत्म होगी, नेगेटिव एनर्जी अगर थी तो वो खत्म होगी। अगर मुझे लगता है कि जैसे ग्रहण लगा था आपके रिश्ते को, चीजें ठीक ही नहीं हो रही थी, आपने कोशिश पर कोशिश करते रहे लेकिन ठीक नहीं हो रहा था, तो वो पर्सन मुझे लगता है आपकी पार्टनर ठीक करने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते को। नेक्स्ट यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स, ये पर्सन की ट्रैवलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आती है, जैसे कि पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ डिसीजन इनको लेना ही होगा। जजमेंट का कार्ड आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल कार्ड है जो ये कहता है कि न्यू बिगिनिंग है, नया पुनर्जन्म कहते हैं इसे, ये पुनर्जन्म का कार्ड है, यानी कि जिस रिश्ते को आप खत्म करके एक नई शुरुआत जिस रिश्ते में करते हैं वो पुनर्जन्म ही होता है, या फिर हम कहते हैं ना जैसे कि मेरे को तो ऐसी बीमारी पकड़ी थी कि मेरा पुनर्जन्म हो गया, यानी कि उसमें आप मरते मरते बच गए हैं, तो ये रिश्ता टूटते टूटते बच जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में अगर आपको लग रहा है अभी कि टूट गया रिश्ता, खत्म हो गया, पार्टनर ने मुझे भुला दिया, तो वहां पर ही नई शुरुआत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, और पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोचने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अगर सोच रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ उनको आना है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस आपको आ सकते हैं, ये मुझे लगता है यहाँ पर 100% कॉल मैसेजेस जरूर आएंगे। पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, या फिर उनको कहना है कि अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूं, या अभी भी मैं तुम्हारे साथ रिश्ता कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूं या चाहता हूं, ये उनकी फीलिंग्स है, आपको बताना चाहते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, अभी भी मैंने खत्म नहीं किया है, एंड अप नहीं किया। अगर तुमने सोचा था कि बीच में हमारे बीच फासले थे या हमारे बीच डिस्टेंस था, तो वो टेम्पररी था, परमानेंटली मैंने तुमको अपनी जिंदगी से निकाल कर नहीं फेंका है। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि ये हमारा रिश्ता आगे तक बढ़े, ये उनकी फीलिंग्स मुझे आने वाले दिनों में नजर आती हो सकती है। यहाँ पर इंतजार, यानी कि उनको भी लग रहा है अभी कि इंतजार बहुत ज्यादा हो गया, या फिर ये जो सिचुएशन है ना उनकी जिद हो सकती है, आपकी जिद बहुत ज्यादा ही हो गई। किसी भी चीज में जिद होनी चाहिए, क्योंकि जब जिद नहीं होता तो आप हासिल नहीं करते, लेकिन वो नेगेटिव हो जाती है जिद आपकी ना, तो चीजें बिगड़ती है। तो अगर आप जिद पकड़ कर बैठे हैं कि जब मेरे पार्टनर मेरे से बात करेंगे तभी मैं बात करूंगी, या वो जब मेरे को कॉल करेंगे तभी मैं बात करूंगा, तो ये क्या होगा, डिलेज करेगा, फिर टाइम जाएगा बहुत ज्यादा। या आप एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे ना कि भले वो कॉल नहीं करते, मैं करता हूं, मैं करती हूँ, तब चीजें ठीक होने लगेंगी, क्योंकि उनका दिल आपका जैसा दिल है वैसा उनका भी है। अगर आपका दिल पिघलता है तो उनका भी पिघलेगा। अभी मुझे बहुत से लोग कमेंट्स करेंगे नहीं वो ऐसे हैं वैसे हैं, आपके पर्सन वैसे हैं, बाकी लोगों के ऐसे नहीं है, तो आप कमेंट मत कीजिए कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो फिर आपका रीडिंग नहीं है। आप यहीं पर वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, आपको लगता है कि ये आपका रीडिंग नहीं है तो मत कमेंट भी मत कीजिए और वीडियो भी मत देखिए। चलिए आगे देखते हैं कौन सा कार्ड आ रहा है। 4 ऑफ कप्स, यानी कि कंफ्यूजन जरूर था, पर्सन के दिल में कंफ्यूजन था, इनके माइंड में कंफ्यूजन था, ये सही चुनाव नहीं कर पाए, मतलब इनके लिए क्या अच्छा रहेगा या इनकी फ्यूचर किसमें बेहतर हो सकता है। हर इंसान को भगवान अपॉर्चुनिटीज भेजता है, कुछ ना कुछ रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, हर दिन एंजल्स आपको गाइड करते हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि बीच में से बिल्ली चली गई, अरे बाबा कुछ होगा, तो वो आप ऐसे एक सुपरस्टिशियस के अलावा आप एक चीज ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपको कोई कहना चाहता है कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है, एंजल्स कहना चाहते हैं या फिर आपको डिवाइन यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, आगे खतरा है, अभी मत जाओ। और फिर आप सोचते हैं ना, हाँ यही मेरे लिए इशारा था। तो ऐसा ये पर्सन कहीं ना कहीं डिवाइन ने इनको अपॉर्चुनिटीज, आपका प्यार भेजा था, लेकिन इन्होंने शायद नजरअंदाज किया, नहीं समझ सके आपके प्यार को। ऐसा होता है कभी कभार हमारे सामने अच्छे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं ये सोचकर कि आगे मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो आपके लिए बना है वही आपके लिए है, आगे हो सकता है कि खतरा है आप जहां पर जा रहे हो। तो पर्सन ने भी यही किया कि आपके प्यार को ठुकरा कर, लगा उनको कि आगे वो खुश रहेंगे, किसी और के साथ खुश रहेंगे और चले गए। तो मुझे ये लगता है कि वो उनका गलत डिसीजन था और कहीं ना कहीं उसकी भुगतान उनको करनी पड़ी है, जहां पर मुझे लगता है कि बुरा वक्त रहा है पर्सन की जिंदगी में। और ये बुरा वक्त ही है जो पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरफ लेकर आ रहा है। अगर ये बुरा वक्त नहीं रहता ना, तो वो आपको हल्के में लेते हैं हमेशा की तरफ, वो आपकी इज्जत नहीं करते या आपके प्यार को नहीं जान सकते थे। अगर वो आपसे दूर नहीं जाते तो मुझे नहीं लगता कि वो प्यार उनका बढ़ जाता आपके लिए। अब ये दूरियां थी और उनको कहीं ना कहीं आपके प्यार का एहसास हो गया, दोबारा वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, दोबारा वो पैचअप करना चाहते हैं, दोबारा वो आपको खुशी देना चाहते हैं। ये सब मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो जो होता है मुझे लगता है कि वो अच्छे के लिए होता है और आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये कहता है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कि आगे फ्यूचर अच्छा है, इस रिश्ते में फ्यूचर अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको हर चीज देखकर परख कर आगे बढ़ना होगा। ऐसा ना हो कि फिर से आपको धोखे मिले या आपके पार्टनर को धोखे मिले, कोई बीच में आए। तो आपकी नजर चारों तरफ होनी चाहिए। जब आप चलते हैं रास्ते पर भी आपको देखना पड़ता है ना, लेफ्ट में, राइट में, या आप कार चलाते हो कहाँ से गाड़ी आगे से आ रही, पीछे से आ रही, क्यों? क्योंकि आप अपने आप को संभालना चाहते हैं। तो वैसा ही है, अगर इस रिश्ते को आप संभालना चाहते हैं तो आपको सभी साइड से देखकर, परख कर, समझ कर चलना होगा, तभी आप सक्सेसफुली इस जीवन के सफर में हैप्पीली आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कोई ना कोई है जो आपको तंग करेगा, आपको कमजोर बनाएगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपको गलत रास्ते, गलत चीजें बताने की कोशिश करके रिश्ता कमजोर करने की कोशिश करेगा। तो ये नहीं करना है। आपको सबका सुनना तो है, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं सुनना है, लेकिन वही करना है जो आपका दिल कहता है। तो ये मुझे लगता है कि पर्सन अभी अपने दिल की करेंगे। उनको लगता है कि मुझे जो लगता है वो मुझे करना है, ना कि लोगों को क्या लगता है। तो कहीं ना कहीं अभी आंखें खुल गई हैं आपके पर्सन की और वो सही डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। ऐसा मुझे लगता है कि अगर पर्सन, आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर चले गए तो अकेलापन बहुत सहन किया इस पर्सन ने, लोनलीनेस, खालीपन उनकी जिंदगी में रहा है और ये एक वजह हो सकती है कि उनको आना है आपकी तरफ। नेक्स्ट, ऐसा मुझे लगता है कि आपकी भी हालत कहीं ना कहीं खराब ही रही है, क्योंकि आपके पर्सन आपको छोड़कर गए। जिस व्यक्ति के बारे में आपने फ्यूचर सोचा था, जिस व्यक्ति के बारे में आपने आगे बढ़ने के बारे में सोचा था, और वही पर्सन अगर निकल गए आपकी जिंदगी से तो तकलीफ तो आपको होनी ही है। तो ये मुझे यहाँ पर दोनों की एनर्जी फील होती है कि दोनों अकेले हो गए इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बने अगर हो तो आप चाहकर भी किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। तो रियूनियन होना ही था और रियूनियन होकर रहेगा। और मुझे लगता है ना कि अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं, चेहरा बहुत सैड है और एक खुशी का चेहरा तभी बनेगा जब एक होंगे दोनों, ये मुझे लगता है। तो लकी नंबर्स की बात करते हैं, उसके बाद कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। लकी नंबर 20 और 2 नंबर ये मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली है, चंद्रमा की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। नंबर 14 आपके लिए लकी है, 6 नंबर लकी है, उसके बाद 12 नंबर आपके लिए लकी है, 14 नंबर 2 बार आ चुका है और 13 नंबर भी आपके लिए लकी है। राशि की बात करते हैं, जो स्ट्रांगली यहाँ पर सबसे पहले जो राशि आए वह है मिथुन राशि, यानी कि जेमिनी राशि, उसके बाद यहाँ पर कर्क राशि है, कैंसर राशि जो कि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जो राशियां यहाँ पर आई है वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद जो राशियां एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। तो ये राशियों की बात होगी। अभी हम कुछ लव मैसेजेस देख लेंगे आपके पर्सन की तरफ से कि वो ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जो कि उनके दिल में तो है लेकिन कह नहीं सकते। तो प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं, जितने भी व्यूअर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की क्या है हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस, डीप इमोशंस क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं उनके दिल में जो कि वो बताना तो चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते, या बातें इतनी बिगड़ गई, रिश्ता इतना बिगड़ गया कि उनको लगता है कि नहीं कहना है मुझे, अभी सही वक्त आने पर मुझे कहना है, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें चलती रहती हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं? यहाँ पर जो है होप, यानी कि अभी भी उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है, उम्मीद का कार्ड है कि आपके साथ रिश्ता जुड़ेगा, या उन्होंने ऐसा मतलब गिव अप नहीं किया है कि रिश्ता खत्म हो गया, जैसे कि आपने भी गिव अप नहीं किया ना। आपको लगता है कि पार्टनर, मेरे पार्टनर झूठे नहीं हो सकते, जरूर इनको किसी ने मेरे से दूर किया होगा, जरूर इनको किसी ने बहला कर फुसला कर अपनी तरफ किया होगा, ये अपनी मर्जी से नहीं जाने वाले, मैं उनको जानता हूं, मैं उनको जानती हूं, ये आपकी सोच होगी। तो वो उम्मीद आपके पार्टनर को भी लगती है कि आप उनका इंतजार करोगे, ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा, ऐसी उनकी भी उम्मीद है। और मुझे लगता है ना, मेरी तरफ से भी सबके लिए ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की तरफ से भी ब्लेसिंग्स कि ढेर सारी खुशियां आपकी जिंदगी में आए, हर एक सपना पूरा हो। अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक दूसरे को समझना बहुत ही जरूरी होता है जब आप किसी रिश्ते में जाते हो, भले वो इंसान आपसे, आपके करीब है या आपसे दूर, आपको कनेक्शन फील होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा या सोचती होगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो आपने बातें कही हैं, जो आपने अपनी साइड रखी है इस पर्सन की तरफ कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आप क्या चाहते हो, आपकी पसंद क्या है, ये सारी सब चीजें इस पर्सन को याद आ रही हैं और वो आपको समझना चाहते हैं, और गहराई से समझना चाहते हैं, या फिर अभी की सिचुएशन को समझना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड, अनवर्दी, यू आर बेटर पर्सन देन आई एम, यानी कि अभी भी पर्सन को लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप समझदार हो, वो समझदार नहीं है, वो बहक जाते हैं, कोई भी उनको पागल बनाता है, कोई भी उनको उल्लू बनाता है, कोई भी उनका फायदा उठाता है, लेकिन आप उनको समझाते रहते हो कि ऐसे मत करो, या ये जॉब मत चुनो, तुमको तकलीफ होगी, ये आपका काम हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं वो समझदारी आपकी उनको याद आ रही कि आप बहुत ज्यादा समझदार हो, और वो जल्दबाजी में फैसला लेने वाले हैं जो कि उनको तकलीफ देता है बाद में। और एक लास्ट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, कमिटमेंट। मुझे लगता है ना कि कमिटमेंट देना चाहते हैं, या ऑलरेडी कमिटमेंट दिया है तो फ्यूचर निभाना चाहते हैं आपके साथ आपकी पर्सन, और ये पॉजिटिव कार्ड है। ये जरूर आपको कमिटमेंट का क्लेम करना चाहिए कि अगर आपकी शादी हुई है तो भी रियूनियन है, अगर आप दोनों सिंगल हैं तो भी रियूनियन है, और किसी टाइप का रिश्ता है तो भी आप एक होते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूरियां, सब कुछ जो भी दूरियों की वजह से पर्सन समझ चुके हैं, आपके प्यार को गहराई से समझ चुके हैं, और ये अभी अटूट बंधन रहेगा। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।